अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आजकल प्रॉब्लम चल रही है वाइस अकाउंट जो यूएस एलएलसी के ऊपर ओपन हुए हैं वो नॉर्मली आजकल बंद हो रहे हैं। तो उसका अल्टरनेट बैंक कौन सा है जो रिसेंटली मैंने अभी उसको टेस्ट भी कर लिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो वर्किंग है और जो अमेजोन से इजीली कनेक्ट है और अमेजोन उसके डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर लेता है। सही है। तो उसके लिए जो उसके जो बैंक है उसका नाम है जायला। तो ये बैंक है जायला और इसके अंदर आपको नॉर्मली हो ये रहा है आजकल के यूएस एलएलसी के ऊपर एज अ पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहे। नॉर्मली किसी बैंक के कोई भी बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये एक बैंक है जो मैं टेस्ट कर चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ इस बैंक के बारे में। तो ये बैंक है जिसके थ्रू आप एज अ पाकिस्तानी और आपकी यूएस एलएलसी हो और आपका यूएस का एड्रेस हो तो उसके ऊपर आप इजीली ये बैंक साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, साइन अप करने के बाद इसके अंदर थोड़ा उसका प्रोसेस थोड़ा डिले है कि आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कभी 2 से 3 दिन में हो जाता है, कभी 7 से 10 दिन लगते हैं। और नॉर्मली इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यूएस एलएलसी चाहिए होगी आपको, EIN नंबर चाहिए होगा। अगर आपके पास ITIN नंबर है तो सही है, वरना ITIN नंबर की नॉर्मली इसमें नीड नहीं है। सही है। और दूसरी चीज अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये इजीली बन जाता है और मैं इसको टेस्ट भी कर चुका हूँ, अमेजोन से टेस्ट भी कर चुका हूँ, अमेजोन ने इसका डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। तो आप इसको बना सकते हैं और यही मैं आपको बताना चाह रहा था क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस चीज की कि लोगों के वॉइस के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। तो इसका अल्टरनेट ये जायला है जो कि आसानी से अटैच हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।